हेलो एवरीवन, वेलकम टू करण सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। आज हम उसका एग्जांपल की नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज 6.4। सो लेट अस स्टार्ट। इन दिस फिगर एम एंड एन आर टू प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एम एंड एन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दीज आर लाइक दिस इज एम, दिस इज एन, दीज आर परपेंडिकुलर। शो दैट इंसिडेंट रे सी ए, इंसिडेंट रे सी ए, यहाँ से लाइट आई, फिर इस मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट हुई, राइट, इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे बी डी। कि ये सी ए और बी डी दोनों पैरेलल हैं, ये मुझे शो करना है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, नाउ एम एंड एन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर मैं देखूं बी पी एंड ओ ए, ये दोनों पैरेलल है, कहीं भी मीट नहीं करेंगे। हम इनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, कहीं मीट नहीं करेंगे। सिमिलरली पी ए एंड बी ओ आर पैरेलल, पी ए पैरेलल बी ओ, एंड बी पी दिस इज परपेंडिकुलर टू पी ए। अगर बी पी परपेंडिकुलर है, देयर फोर ये जो एंगल है ये हो गया 90 डिग्री। सो एंगल बी पी ए इज 90 डिग्री। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, मीन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको पैरेलल प्रूफ करना है। सो पैरेलल प्रूफ करना है, पहले मैं देखूं इन ट्रायंगल एपीबी। ट्रायंगल में वी नो द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कौन कौन से एंगल? एंगल टू है इसमें, एंगल थ्री है, और एंगल बी पी ए है। एंगल बी पी ए प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ये अभी हमने लिखा 90 डिग्री है। सो एंगल टू प्लस थ्री 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। लेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन वन। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, ठीक है? तो एंगल वन जो है और एंगल टू, जैसे सी ए यहाँ टकराई और इधर चले गई, तो एंगल वन एंड टू इक्वल है। सिमिलरली ये यहाँ टकराई, थर्ड इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस रिफ्लेक्ट होके आया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दीज आर इक्वल। सो राइट नाउ एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर। ब्रैकेट में रीजन देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इक्वल होते हैं। नाउ अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था 2 + 3 90 डिग्री, एंगल 2 + 3 इज 90 डिग्री। अब 3 जो है 4 के इक्वल है, सो आई कैन राइट 3 की जगह पे 4, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है। नाउ 2 एंगल और 4 एंगल, 2 एंगल और 4 एंगल, या मैं यहाँ पे लिख दू एंगल वन, 2 की जगह पे अगर मैं एंगल 1 लिख दूं, देन इट्स ऑल्सो ओके। एंगल 2 की जगह 1 लिख दिया 3। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 और 3 थे, तो मैंने यहाँ पे 3 की जगह लिख दिया 4, राइट? लेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैंने ऐड क्यों किया, अभी बताते हैं। तो बन गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। एंगल 1 और 2 मिलके क्या बने? एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। और 3 और 4 मिलके क्या बन गए? 3 एंड 4 मिलके ए बी डी, या डी बी ए। एंड दीज आर एंगल्स, ये दोनों एंगल हैं। अगर मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूं, ये मुझे पैरेलल प्रूफ करनी थी, ओके, मैं इसको अलग से मार्क कर देती हूँ। ये मेरी एक तरह हो गई ट्रांसवर्सल,
और ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने एंगल का सम आ गया 180 डिग्री। इट मींस ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी, देयरफॉर सी ए पैरेलल डी बी। ठीक है, एंगल्स ऑन सेम साइड आर ट्रांसवर्सल, कि एंगल्स ऑन सेम साइड और ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इसलिए ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। रीजन देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रूव दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे कोर्स में इस साल नहीं है, चलो हम फिर भी कर लेते हैं। लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल, लेट दिस एंगल एज वन, दिस एंगल एज टू एंड दिस एंगल एज थ्री। नाउ मुझे प्रूव करना है कि तीनों का सम 180 डिग्री है। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल, लेट से एल, जो कि बीसी के पैरेलल है। अगर मैं बीसी को एक्सटेंड कर दूं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। सो ड्रॉ एल पैरेलल बीसी। अब अगर एल पैरेलल बीसी है, लेट दिस एंगल एज फोर एंड दिस एंगल एज फाइव। अब अगर मैं सिर्फ इतना देखूं, दिस इज एल, दिस इज बी सी और यहाँ पे है ए। अगर ये एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? सो एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल फोर। रीजन विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली अगर ये एल है, ये बी सी है और ए सी इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल थ्री एंड दिस एंगल फाइव, दीज आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फाइव। अब मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, लेट दिस एज इक्वेशन वन एंड दिस एज टू। एड इक्वेशन वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट ऐड होगी, राइट में राइट ऐड, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव। नाउ एड एंगल वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने वन ऐड किया तो मुझे क्या मिला, एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव। अब एंगल वन प्लस फोर प्लस फाइव, ये बना आपका वन प्लस फोर प्लस फाइव, दिस कंप्लीट एंगल, और ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, सो दिस इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तीनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल ऑन एंगल्स ऑन अ पॉइंट इज 180 डिग्री, एक पॉइंट पे बने एंगल है सारे, इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल वन टू एंड थ्री, दीज वर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यही मुझे प्रूफ करना था कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट वन वाज इजी, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, प्रूव दैट दिस एंगल बी ओ सी 90 प्लस हाफ ऑफ ए। चलो पहले हम बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं क्योंकि इसके बाइसेक्टर दिए हैं। फिर इन ट्राइंगल एबीसी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एसी बी। ब्रैकेट में रीजन देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं देखूं तो मुझे हाफ ऑफ एंगल ए चाहिए, तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ टू से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टू। चलिए टू से डिवाइड किया, क्या बन गया, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, 180 बाय टू, डेट इज 90। मुझे हाफ ऑफ ए तो चाहिए, 90 भी चाहिए, मतलब ये मुझे चीजें नहीं चाहिए। अब मैं देखूं हाफ ऑफ ए बी सी, इस पूरे ट्राइंगल एंगल का हाफ मुझे गिवन है कि बाइसेक्टर
है एंगल बी और सी के जो ओ पे मीट कर रहे हैं, तो इट मींस अगर ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ओ बी एंड ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, इट मींस अगर ये बाइसेक्टर है तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल ए बी सी इसका आधा किसके इक्वल होगा, एंगल ओ बी सी, तो यही तो बना ए बी ओ और ओ बी सी, सो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी मेरे पास हो गया एंगल ओ बी सी, और हाफ ऑफ एंगल ए सी बी हो गया एंगल ओ सी डी। अब मैंने यहाँ पे अंदर वाला ही एंगल क्यों लिया, मैंने बाहर वाला ए सी ओ क्यों नहीं लिया या ए बी ओ क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बी ओ सी के इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं नेक्स्ट ट्रायंगल एंगल बी ओ ट्रायंगल बी ओ सी लूंगी, तो पहले ये वैल्यूज पुट कर दें, तो क्या बन गया मेरे पास, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेट दिस इक्वेशन वन। नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी तीनों एंगल का सम अगेन 180 डिग्री, सो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री, रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज इक्वेशन टू, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तरफ 90 प्लस हाफ ए सी चाहिए, एक तरफ सिर्फ बी ओ सी चाहिए, अगर मुझे सिर्फ बी ओ सी चाहिए इधर 90 चाहिए तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, लेफ्ट में से लेफ्ट राइट में से राइट, सो ओ बी सी प्लस ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस एंगल ओ बी सी माइनस एंगल ओ सी बी 180 माइनस 90। नाउ कुछ कैंसिल हो रहे हैं, ओबीसी प्लस का माइनस का, ओसीबी प्लस का माइनस का, क्या बचा एंगल बी ओ सी 180 माइनस 90 90 माइनस हाफ ए को उधर ले गए प्लस हाफ ऑफ ए, और यही मुझे प्रूव करना था कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, सो सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल ली, फिर ट्रायंगल बी ओ सी लिया, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया एंड गेट द आंसर। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 6.4, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट एट ओ, सो राइट डाउन, लेट ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स दैट इंटरसेक्ट्स एट ओ, जो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। नाउ मुझे कहा है कि प्रूफ करने की वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से हुए, एंगल एओडी और बीओसी, और दूसरा पेयर हो गया एंगल एओसी इक्वल्स टू एंगल बीओडी, ये मुझे प्रूफ करना है। अब अगर मैं लाइन ये देखूं, ये मेरे पास है ए बी और सी डी, तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है सी डी के इस तरफ और ये दूसरा लीनियर पेयर बनेगा इस तरफ, राइट, तो मैं पहले केस लेती हूँ कि ओ ए जो है लाइन सी डी पे है, राइट, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, अगर लाइन पे है इट मींस दिस इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर,
तो कौन से एंगल? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेट दिस इक्वेशन इज वन। अब ये वाली रे ले लेती हूँ, ओ डी ए बी पे स्टैंड करती है, ठीक है। रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, तो ये कौन सा लीनियर पेयर बना रही है? यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन देंगे, लीनियर पेयर। ओ डी तो एंगल बी ओ डी प्लस डी ओ ए या ए ओ डी, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर इक्वेशन टू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू राइट हैंड साइड इज इक्वल, तो लेफ्ट विल बी ऑल्सो इक्वल, सो इक्वेट इक्वेशन वन एंड टू। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंड इक्वेशन टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। ए ओ डी दोनों तरफ है, बीच में इक्वल साइन है, तो एंगल ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल आ गए। तो क्या ये एक पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का है, ए ओ सी एंड बी ओ डी? ये हमने कर दिया ट्रू। अब मुझे एक पेयर और चाहिए, तो अगर ओ डी रे ओ डी, हमने दोबारा ये वाला केस लिया, रे ओ डी स्टैंड ऑन ए बी, तो इट विल फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो रे ओ डी जब ए बी पे थी क्या बन रहे थे एंगल? ए ओ डी एंड बी ओ डी। नाउ अब मुझे जो प्रूफ करना है डेट इज ए ओ डी चाहिए, साथ में चाहिए बी ओ सी। तो अब मैं रे ओ बी लूंगी, रे ओ बी स्टैंड ऑन लाइन सी डी, रे ओ बी स्टैंड ऑन लाइन सी डी, तो ये कौन सा लीनियर पेयर बना रही है? लेट दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। एंगल बी ओ सी प्लस डी ओ बी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी 180 डिग्री, लीनियर पेयर। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर राइट हैंड साइड इज इक्वल, तो लेफ्ट विल ऑल्सो बी इक्वल। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, दिस एंगल इज सेम कैंसिल, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। तो मैंने कौन सी रे लेनी है वो डिपेंड करेगा इन एंगल्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। एक बार मुझे ए ओ सी एंगल चाहिए और बी ओ डी एंगल चाहिए। ए ओ सी चाहिए तो ओ ए रे ली, उसके बाद बी ओ डी चाहिए तो ओ डी वाली रे ली। इसमें ए ओ डी और बी ओ सी चाहिए, ए ओ डी चाहिए तो ओ ए या ओ डी रे ली हमने, फिर एंगल चाहिए बी ओ सी तो ओ बी रे। तो रेस को लिया, उन पे लीनियर पेयर बन रहा है, इक्वेशंस को इक्वेट किया एंड वी गेट द वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए बाय सेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल ए सी डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, चलिए पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। बाय सेक्टर ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल बी एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए सी डी, बी सी को एक्सटेंड किया डी तक, एंगल ए सी डी जो एक्सटीरियर एंगल है इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट टी पर। एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल तो ये लाइक दिस, ये दोनों मिल रहे हैं टी पे। ए सी डी का बाइसेक्टर और बी का बाइसेक्टर दोनों मिले पॉइंट टी पे, तो मुझे ये प्रूफ करना है। चलो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लेती हूँ, यही मुझे ट्राइंगल गिवन है, गिवन टू प्रूफ यहीं से लिख लोगे आप। प्रूफ पे चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी वी नो देर इज वन प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी होती है मेरे पास। नाउ तो इस ए बी सी में एक्सटीरियर एंगल क्या है? पहले आप एक लिखोगे प्रोड्यूस बी सी टू डी, उसको एक्सटेंड किया ना हमने, तो एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। यही एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। नाउ जो मुझे प्रूफ में चाहिए एंगल बी ए सी का, हाँ तो सी ए बी की जगह मुझे बी ए सी लिखा है तो कोई इश्यू नहीं है, मैं इसे बी ए सी लिख देती हूँ। लेकिन अब मुझे चाहिए इनका हाफ, यहाँ पे हाफ चाहिए, तो क्या मैं दोनों तरफ टू से डिवाइड करूं? चलो कर लेते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टू। क्या मिला मुझे? हाफ ऑफ एंगल ए सी डी, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। अब एंगल ए सी डी का हाफ, अब जो सी टी है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी डी, तो ए सी डी का हाफ हो गया एंगल टी सी डी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने एंगल ए सी डी को हाफ को लिख दिया एंगल टी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। रीजन देंगे, सी टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी डी, बाइसेक्टर है इसलिए हाफ ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल टी सी डी। ये हो गया। नाउ मुझे क्या चाहिए? एंगल बी टी सी, बी टी सी। तो मुझे अब ये कैसे मिलेगा? बी टी सी, अगर मैं बी टी सी देखूं तो क्या ये किसी का एक्सटीरियर एंगल हो रहा है? अगर मैं ट्रायंगल बी टी सी लू तो एंगल टी सी डी इज एक्सटीरियर टू डेट, तो मैंने ट्रायंगल ली बी टी सी। इन ट्रायंगल बी टी सी एंगल टी सी डी विच इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। रीजन देंगे अगेन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। नाउ तो क्या आया एंगल टी सी डी किसके इक्वल होगा? अगर ये एक्सटीरियर है, इसके इंटीरियर में ऑपोजिट क्या हुआ? ये एंगल और ये एंगल, एंगल सी टी बी प्लस बी टी सी, एंगल बी टी सी प्लस एंगल सी टी बी। लेट दिस इक्वेशन एज टू, वन एंड टू में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, तो लेट अस इक्वेट इक्वेट इक्वेशन वन एंड टू। राइट विल ऑल्सो बी इक्वल, यहाँ पे है एंगल बी टी सी प्लस एंगल सी टी बी, दूसरी तरफ है हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, ये मुझे चाहिए तो हाफ ऑफ बी ए सी को एज इट इज लिख देते हैं, प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी का हाफ बी टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो एंगल ए बी सी का हाफ आई कैन राइट एंगल टी बी सी हियर, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे टी बी सी है, राइट right? तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? एंगल सी बी टी, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल सी बी टी। मैंने हाफ ऑफ बी ए सी को चेंज नहीं किया क्योंकि ये मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और मुझे चाहिए बी टी सी, बी टी सी, सी टी बी को ये रहा बी टी सी हमारे पास, ये भी चाहिए तो इसकी जगह आ गया सी टी बी, राइट, सी बी टी उसका हाफ। यहाँ पे इसका भी रीजन देंगे फिर हम, यहाँ पे सी टी बाई सेक्टर लिखा था, तो सिमिलरली
बीटी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, देयरफोर हाफ ऑफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल सी बी टी। तो आप यहाँ पे जब आपने लिखा है टी सी डी एक्सटीरियर एंगल, तो सी टी बी प्लस सी बी टी, तो इसको आप यहाँ पे दोनों बार टी लिखा गया है, सी बी टी, एक बार बी मिडल में एक बार टी मिडल में। नाउ CBT दोनों तरफ है, इट विल गेट कैंसिल, और जो मुझे चाहिए था वो हमें मिल गया। एंगल BTC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC, यही प्रूव करना था। एंगल BTC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC। दोबारा से बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक बार हमने ट्राइंगल ली एबीसी, इसका एक्सटीरियर एंगल है एसीडी, दैट इज इक्वल टू एंगल ए इतना प्लस एंगल बी। ठीक है, यहाँ पे मुझे हाफ चाहिए था एंगल ए का, तो मैंने टू से डिवाइड किया, एसीडी का हाफ हो गया टीसीडी, एंगल बी कंप्लीट का जो हाफ आया डेट इज एंगल सी बी टी, और एंगल ए का हाफ हमने एज इट इज लिखा। फिर हमने ट्राइंगल ली बी टी सी, ये वाली ट्राइंगल ली बी टी सी, इसका एक्सटीरियर एंगल टी सी डी और इंटीरियर ऑपोजिट, एक तो ये एंगल और एक ये वाला एंगल, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया एंड गेट द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, दो लाइंस हैं पैरेलल, लेट्स से ए बी एंड सी डी, दीज आर टू पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करिए, लेट दिस ट्रांसवर्सल एज बी टी। प्रूव दैट बाय सेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली, ए बी पैरेलल सी डी, टी इज ट्रांसवर्सल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कह रहे जो एंगल फॉर्म है बाय सेक्टर उनके जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के, वो भी पैरेलल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने एंगल होते हैं, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मान लो जो ट्रांसवर्सल है पैरेलल लाइन को पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड पीई इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, एंड सी क्यू एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं कोई भी, लेट्स से जी ई एफ जी। सो राइट डाउन, ए बी पैरेलल सी डी, टी इज द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट पी एंड सी डी एट क्यू। प्रूफ क्या करना है हमें कि इनके बाइसेक्टर्स भी गिवन है, पीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एपीजी एंड क्यू एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी क्यू जी या सी क्यू पी। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो बाइसेक्टर बन रहे हैं, मतलब पीई एंड क्यू एफ, दीज आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल होंगे तो इन पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल आ गए, तो पैरेलल हो जाएंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट, राइट डाउन, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर एंगल कौन सा है, एंगल ए पी जी इज इक्वल टू एंगल ए पी जी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी, दिस इज द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, टी ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही हैं, तो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय टू, सो हाफ ऑफ एंगल ए पी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी क्यू पी।
अब मुझे कहा था कि PE इज द बाइसेक्टर, PE अगर बाइसेक्टर है डेट इज एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल EPG, अगर QF बाइसेक्टर है तो एंगल CQF इज इक्वल्स टू एंगल FQP, तो हाफ ऑफ एंगल APG हो गया EPG, हाफ ऑफ APG इज एंगल EPG और हाफ ऑफ CQP क्या हो गया एंगल FQP, FQP. अब अगर मेरे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं PE एंड QF, तो इनमें ट्रांसवर्सल कौन एक्ट कर रहा है, टी ही तो कर रही है ऐसा ट्रांसवर्सल, तो एक एंगल है ये EP दिस, यहाँ पे G पॉइंट है और यहाँ पे मेरे पास है एफ क्यू दिस, तो ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हैं, इट मीन्स दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो इट मीन्स ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी पैरेलल, सो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देयरफोर पीई पैरेलल क्यू एफ, यही मुझे प्रूफ करना था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्मड आर पैरेलल, कि जो उनके बाइसेक्टर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बने हैं वो भी पैरेलल है, ठीक है चले नेक्स्ट पे चले। प्रूव दैट थ्रू अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, लेट एल बी द गिवन लाइन एंड पी इज द एनी पॉइंट। अब कहे कि इस पॉइंट से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये एंगल है 90 डिग्री और इधर से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो पी में से पास कर रहे हैं, लेट दिस एज ए बी 90 डिग्री, सो गिवन लेट एल इज अ लाइन पी इज अ पॉइंट, टू प्रूव वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टू लाइन एल, दैट इज अगर एक ही परपेंडिकुलर है मींस एंगल पी शुड बी जीरो, एंगल पी जीरो आ जाए तो है ना, तो चलो करते हैं प्रूफ लेट अस सपोज वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस टू लाइन एल, नाउ इन ट्राइंगल एपीबी, तीनों एंगल का सम इज 180, परपेंडिकुलर है तो दो एंगल ए और बी तो 90-90 हो गए, प्लस एंगल पी इज 180 यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहां से एंगल पी क्या आ गया 180 माइनस 180 जीरो, अगर एंगल पी जीरो आ गया मीन्स यहाँ पे तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा, इट मींस ये दोनों लाइंस को इनसाइड होगी, मीन्स एक ही लाइन है ठीक है, दैट इज बोथ द लाइंस को इनसाइड आर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत हो गया कि दो लाइंस नहीं हो सकती, Therefore, we can draw only one perpendicular to given line through point. कि एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है. क्लियर टू एवरीवन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. मूविंग टू नेक्स्ट वन, प्रूव दैट टू लाइंस दैट आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन है मान लो एम और एल, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कह रहे दो लाइंस जो इन पे परपेंडिकुलर है, मान लो एक ये है एन और ये इस पे परपेंडिकुलर है पी, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मुझे प्रूव करना है कि ये भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ओके
लेट एल एंड एम आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एन एंड पी आर परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस एंड इंटरसेक्ट एट डी से, एंड इंटरसेक्ट एट डी। अब हमें कहा है कि दो लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं उसपे वो भी आपस में भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। टू प्रूव एन एंड पी इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट, ये मुझे प्रूव करना है। नाउ हमें क्या गिवन है कि जो एन और पी दोनों लाइंस इन पे परपेंडिकुलर है, मुझे गिवन है कि एल और एम पैरेलल है, ठीक है, नहीं इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल नहीं है इंटरसेक्टिंग है एम एंड एल, तो मुझे प्रूव करना है एन और पी जो इन पे परपेंडिकुलर है वो भी इंटरसेक्टिंग होगी। नाउ एन एंड पी राइट डाउन, सपोज एम एंड पी, एन एंड पी, लेट एन एंड पी आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉट इंटरसेक्टिंग दैट इज अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो ये पैरेलल होंगी, लेकिन हमें क्या कहा गया है कि जो परपेंडिकुलर है एम एंड पी आर परपेंडिकुलर, एम एंड सॉरी एन एंड पी, एन एंड एम आर गेटिंग कंफ्यूज, एन एंड पी आर परपेंडिकुलर टू एम एंड एल, ये तो उन दोनों पे परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ कह रहे कि एन और पी पैरेलल है लेकिन ये एक परपेंडिकुलर बता रहे। फ्रॉम इक्वेशन वन एन पैरेलल पी, एन पी के पैरेलल है सो देयरफॉर एल पैरेलल एम, लेकिन हमें क्या कहा गया था एल और एम पैरेलल है इंटरसेक्टिंग है, हियर इज अ कंट्राडिक्शन, हमें तो कहा था कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यहाँ पे तो पैरेलल आ गई, पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग कि दो लाइंस जो इस पे परपेंडिकुलर है ये रॉन्ग हो गया, सो इंटरसेक्टिंग जो लाइंस है इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्या लिखना है हमने, देयरफॉर एन एंड पी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट जो हमने डी माना था इस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रूव दैट ट्रायंगल मस्ट हैव एटलीस्ट टू एक्यूट एंगल्स, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, कम से कम दो कह रहे एक्यूट एंगल होने चाहिए, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, फर्स्ट केस मानते हैं बोथ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, अगर बोथ एंगल्स आर ऑब्ट्यूज मीन्स मान लो कोई दो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट इज दो एंगल को मैंने मान लिया एंगल बी भी 90 से बड़ा है सी भी 90, ऑब्ट्यूज तो वही होते हैं कि जिनका जो सम है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो इस पार्ट को करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहां से फर्स्ट केस स्टार्ट हो गया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हर में इसी में क्वेश्चन में हम पुट करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट दिस एज इक्वेशन वन, तो यहाँ से एंगल ए आ गया 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी,
बार बार हमें ये लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको इक्वेशन वन मान लिया. नाउ केस वन स्टार्ट. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन क्या मिला हमें, अगर ये दोनों बड़े हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180. अगर ये दोनों एंगल बी एंड सी ग्रेटर देन 90 है, तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी ग्रेटर देन 180, सम विल बी ग्रेटर देन 180. अगर इसका सम ग्रेटर देन 180 आ गया तो एंगल ए तो नेगेटिव हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल. अगर एंगल ए नेगेटिव हो गया तो ट्राइंगल बनाना इज नॉट पॉसिबल. सो नो ट्राइंगल इज फॉर्म्ड. इस केस में कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगी अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है. अब सेकंड केस लेते हैं. अब एक एक्यूट ले लेते हैं, एंगल बी इज लेस देन 90 और एंगल सी ग्रेटर देन 90. वन एंगल इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज. दिस इज द सेकंड केस. अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन, एंगल ए 180 माइनस, चलो मान लो लेस देन 90 मान लिया मैंने, 80 आ गया ठीक है, और ग्रेटर देन 90 आ गया 100, तो 180 आ गया. तो 180 माइनस 180 जीरो या नेगेटिव वैल्यू होगी. दोनों ही पॉसिबल नहीं है कि अगर मैंने ये 90 से छोटा 89 भी मान लो लिया और ये 90 से बड़ा 91 भी लिया तो भी 180 आया. सो सम इज जीरो विच इज नॉट पॉसिबल. एंगल बी लेस देन 90 प्लस ग्रेटर देन 90 वैल्यू कुछ भी पुट की, सो एंगल ए विल ईदर बी जीरो विच इज नॉट पॉसिबल. सो नो ट्राइंगल इज फॉर्म्ड इन दिस केस ऑल्सो. नाउ थर्ड केस. अब हमें कहा एटलीस्ट टू शुड बी एक्यूट. मैंने क्या लिया केस, दोनों ऑब्ट्यूज, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज. अब अगर मैं ले लूं कि दोनों एक्यूट एंगल है, जस्ट अ मिनट, दोनों एक्यूट एंगल है ये प्रूफ करना है. थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों दो एंगल 90 डिग्री है. अगर 90 होगा तो यहाँ पे 180 आएगा, यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू आप नेगेटिव ही लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो 180 से बड़ी भी हो सकती है. मान लो मैंने 89.5 पुट कर दी और 91.5, तो 181 बन गया, दैट विल बी ग्रेटर, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंगल ए क्या आया, 180 माइनस 90 प्लस 90, सो एंगल ए आ गया जीरो. दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो और क्या केस बचा, अब एक ही केस बचा कि दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो. एंगल बी इज लेस देन 90, सी इज लेस देन 90. सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंगल ए क्या आया, 180 माइनस बी और सी 90 से छोटी है. अगर कोई दो वैल्यू 90 से छोटी है तो थर्ड एंगल भी एक्यूट एंगल ही आएगा. मान लो 90 से छोटी 89, 89 मैंने पुट कर दिया, 178, तो कोई भी वैल्यू आई डेट विल बी पॉजिटिव और एक्यूट होगी. सो थर्ड एंगल विल आल्सो बी एक्यूट एंगल. तो मुझे सारे केस करने हैं, या तो दोनों एंगल राइट एंगल होंगे, या दोनों एंगल ऑब्ट्यूज होंगे, या एक एक्यूट या एक ऑब्ट्यूज. तीनों ही केस में ट्रायंगल बननी पॉसिबल नहीं है. तो अगर दो एंगल एक्यूट होते हैं, थर्ड एंगल भी एक्यूट आएगा, देन ओनली ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, पी ए इज बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, पी एम इज परपेंडिकुलर टू दैट. चलिए ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू एम. एम पे 90 डिग्री है, सो लेट अस टेक दिस ट्राइंगल. सो एंगल कौन सा,
पी क्यू एम है ट्राइंगल, और एक बार ले लेंगे पी एम आर, क्योंकि मुझे एंगल क्यू और एंगल आर चाहिए, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है जो मुझे दिख रहा है टू प्रूव करने में। तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, कौन कौन से एंगल, एंगल पी क्यू एम प्लस एंगल पी एम क्यू प्लस एंगल क्यू पी एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी क्यू एम लिखेंगे, पी एम क्यू इज 90। पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में ट्रायंगल पी एम आर ले लेते हैं। एंगल पी क्यू एम प्लस एंगल क्यू पी एम 180 माइनस 90। एंगल पी क्यू एम इज कंप्लीट एंगल क्यू हियर, 90 माइनस एंगल क्यू पी एम, लेट दिस एज इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल लेते हैं पी एम आर, अगेन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल पी एम आर प्लस एंगल पी आर एम प्लस एंगल आर पी एम 180 डिग्री। रीजन देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ पी एम आर इज 90, पी आर एम मीन्स कंप्लीट एंगल आर, इसकी जगह एंगल आर लिख देते हैं, प्लस आर पी एम, एंगल आर की वैल्यू चाहिए 180 माइनस 90 माइनस एंगल आर पी एम, लेट दिस एज 2। अब मुझे जो प्रूफ करना है क्यू माइनस आर, तो माइनस कर देते हैं क्यू माइनस आर, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यू की राइट हैंड साइड पे क्या था, 90 माइनस क्यू पी एम माइनस 90 माइनस माइनस प्लस आर पी एम, ये कैंसल हो गया। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए एंगल ए पी एम, लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है, क्यू पी एम दिस एंगल एंड आर पी एम दिस एंगल, मीन्स पूरा एंगल पी आ रहा है, लेकिन मेरे पास प्लस नहीं है, आर पी एम में से ये माइनस हो रहा है आर। ओके लेट मी सी क्या बन रहा है, एंगल आर पी एम दिस एंगल राइट, देन क्यू पी एम, क्यू पी एम दिस है। ओके अब अगर मैं देखूं मेरे पास ये वाला एंगल कैसे आएगा, चलो बताओ कैसे आएगा, कीजिए वैल्यू, एंगल क्यू माइनस आर, एंगल आर पी एम माइनस एंगल क्यू पी एम। अब आर पी एम कैसे बन रहा है, फिगर में देखेंगे, आर पी एम एंगल आर पी ए प्लस ए पी एम, एंगल आर पी ए प्लस एंगल ए पी एम माइनस क्यू पी एम कैसे बन रहा है, क्यू पी एम एंगल ए पी क्यू में से ए पी एम माइनस कर दे, ए पी क्यू में से ए पी एम माइनस कर दे, तो आ रहे एंगल क्यू पी एम, एंगल ए पी क्यू माइनस क्यू पी एम माइनस ए पी एम। ओके अब मुझे क्या चाहिए, ए पी एम चाहिए 2 बार, माइनस 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 प्लस, 2 टाइम्स ए पी एम तो मुझे आ गया जो चाहिए था, मीन्स मेरे पास अब एक्स्ट्रा बचा आर पी ए और ए पी क्यू, क्या कुछ इक्वल था इसमें गिवन, चेक करो, पी ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर का ये बाइसेक्टर है, तो इट मीन्स क्या है, अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल ए पी क्यू That will be equal to angle RPA, और शायद हमें लास्ट में इसी की जरूरत थी, RPA
और APQ इक्वल है, तो ये गया कैंसिल क्योंकि वो बाइसेक्टर थे, अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 चला गया उधर। जो मुझे प्रूफ करना था वो मुझे गया है मिल। दोबारा से बताऊं, बाइसेक्टर गिवन था तो ये 2 एंगल्स इक्वल हैं, एक बार ट्रायंगल PQM ली और एक बार PRM ली, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे मुझे चाहिए एंगल Q की वैल्यू, दूसरे से R की वैल्यू, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो एंड गेट द आंसर। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 होता है फिनिश। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।